असेंबलियों की तहलील पर एमक्यूएम को एतमाद में नहीं लिया गया। वफाकी वजीर अमीनुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा मुतालबा है कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का इनका यकीनी बनाया जाए। खालिद मकबूल वजीर आजम से मुलाकात में तहफात से आगाह करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी और अस्करी क्यादत एक पेज पर हैं। सियासी और अस्करी क्यादत एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कह के 8 तारीख को आज मेरे ख्याल तमाम चैनल खबर चला रही थी कि 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व कर एज फार एज एम क्यू एम इज कंसर्न हमसे रब्ता नहीं किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज रात इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं, कल या परसों पर वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और वो तमाम इशूज़ जो पेंडिंग है उनके ऊपर उनसे मुख्तलिफ जिसे कहते हैं बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू होगी। हमारी क्या है कि डिजिटल मरदमशुमारी के तहत 2 महीना 3 महीने 2.5 महीना जितना भी लगता है आप उसके हल्का बंदियाँ करा और नए मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन के इनका को मुमकिन बनाया जा सके। चीज़ों में बेहतरी आ रही है और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में सियासी और अस्करी क़यादत एक साथ होकर बैठी। हमने पिछले कई दिनों से इनके पर नज़र रखा हुआ था। कल लाउड एंड क्लियर मैसेज एट बिन डिलीवर टू द पीटीए। आप सबने देखा कि 43 एप्स करो जो आईटी एक्सपोर्ट का टारगेट है। हमारी ख्वाहिश होगी आइंदा चंद सालों में आईटी एक्सपोर्ट को 2.6 बिलियन से बढ़ाकर 15 बिलियन इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर इत्तेफाक राय कर लिया। आजम नजीर तारा नजीर